In last lecture, we were discussing about what is Newton's ring, what is experimental setup of Newton's ring, its theory, Newton's ring in reflected light. In this lecture, we will focus on the diameter of dark and bright fringes, what is fringe width and Newton's ring in transmitted light. तो हमने ये देखा था न्यूटन्स रिंग्स क्या होती है, इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या है, इसकी थ्योरी क्या थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि रिफ्लेक्टेड लाइट में न्यूटन्स रिंग्स का फॉर्मेशन किस प्रकार होता है. नाउ डायमीटर ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस. तो इसके अंदर जो आपका पोर्शन है दिस वन, इसको क्या कहते हैं हम, ये जो है वो इस कॉन्वेक्स लेंस का वर्टिकल पोर्शन है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है पॉइंट ए है. इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो कैपिटल आर है. एट पॉइंट एल जो है इसकी थिकनेस जो है फिल्म की वो टी एन है. और इस स्पेस की जो रेडियस है वो है एनथ इंटरफेरेंस रिंग, जो रिंग है उसकी रेडियस जो है वो आर एन है. तो अपन इस ट्राइंगल ए एम एल, तो एम जो है एंगल वो क्या है 90 डिग्री है. तो इसके अंदर हम यदि पाइथागोरस थ्योरम से देखें तो हमें क्या निकालना है कि जो एनथ फ्रिंज बन रही है, एनथ रिंग बन रही है न्यूटन्स रिंग, उसका हमें डायमीटर निकालना है, आर एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए एम एल, तो ट्राइंगल ए एम एल में यदि हम देखें, इन ट्राइंगल सॉरी ए एल एम में जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो क्या आ रहा है आपका एम एल स्क्वायर. एम एल स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल का स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर. और जो आपका एम एल स्क्वायर है उसको हमने क्या मान लिया, एनथ जो रिंग है उसकी जो है रेडियस है आर एन, तो आर एन स्क्वायर. और ए एम की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए ओ माइनस एम ओ. तो ये एम ओ माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या इक्वेशन हो जाएगी, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर आपका क्या है कैपिटल आर, तो आर स्क्वायर माइनस ए एम. ए एम क्या है, आर माइनस टी एन. ये जो ए एम है वो आपका आर माइनस टी एन है. तो ये आपका r माइनस टी एन का होल स्क्वायर हो गया. तो इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस टी एन स्क्वायर माइनस टू आर टी एन. तो माइनस माइनस प्लस, तो टू आर टी एन. आर स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और माइनस का क्या बचेगा, टी एन स्क्वायर. तो r n स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टी एन माइनस टी एन स्क्वायर. फिर हम देखते हैं कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस की वो अपन लार्ज लेते हैं क्योंकि हमें वेड्स एंगल जो लेते हैं हम स्मॉल लेते हैं. ये जो थीटा एंगल है यहाँ पे इसको हमें स्मॉल लेना है, तो इसके लिए हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हैं, वो लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर का लेते हैं. तो इसके कंपेरिजन में जो थिकनेस होगी इस एयर फिल्म की वो बहुत ही ज़्यादा कम होगी इस कंपेरिजन टू कैपिटल आर. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, टी एन स्क्वायर को इस टर्म के रेस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं. तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टी एन. अब हमें क्या निकालना है, डायमीटर निकालना है. तो डायमीटर क्या हो जाएगा, टू टाइम्स ऑफ रेडियस. तो ये क्या आ जाएगा आपका, डी एन इज इक्वल टू टू आर एन, देन टू आर एन क्या हो जाएगा, आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर टी एन था, तो ये हो गया टू रूट ऑफ टू आर टी एन. या फिर डायमीटर डी एन इज इक्वल टू देखें, टू को अंदर मल्टीप्लाई करोगे स्क्वायर रूट के तो फोर आ जाएगा, फोर टू जा टू हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी एन इज इक्वल टू रूट ऑफ एट आर टी एन. ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर क्या है, थ्री है. तो डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स, तो डार्क रिंग्स के लिए हमें डायमीटर निकालना है. तो हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट थी उसमें हमने कंडीशन निकाली थी फॉर डार्क रिंग्स, क्या थी, पार डिफरेंस निकाला था. और इसमें हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन डाली थी और उससे हमने देखा था जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो पार डिफरेंस जो होता है वो होता है टू म्यू. एनथ फ्रिंज के लिए देख रहे हैं तो टू म्यू टी एन इज इक्वल टू एन लेमडा. तो डायमीटर अभी हमने देखा था क्या था, डी एन जो था वो क्या आया था आपका,
रूट ऑफ 8 आर टी एन। अब टी एन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो क्या आएगा, एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो आपकी डी की जो है वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट ऑफ 8 कैपिटल आर, और टी एन जो है इसकी जगह क्या रखोगे, एन लैम्डा, ये एन है आपका, ये आपका लैम्डा है, एन लैम्डा अपॉन 2 म्यू। तो यहाँ पे देख रहे हो आप, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4, और 4 जो होगा स्क्वायर रूट पे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 2, और अंदर क्या बचेगा, एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। तो ये जो है आपकी nth जो डार्क रिंग्स होगी उसका डायमीटर हो जाएगा डी एन इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। सिमिलरली फॉर ब्राइट रिंग के लिए क्या कंडीशन थी, 2 म्यू टी एन nth रिंग के लिए देखें इज इक्वल टू एन माइनस हाफ लैम्डा। तो यही वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, रूट ऑफ 8 आर टी एन, तो ये आपका टी एन है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे टी एन की जगह तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, एन माइनस हाफ लैम्डा अपॉन 2 म्यू, वापस वही कैंसिल हो जाएगा और 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या आ गई आपके पास डी एन की वैल्यू, डी एन इज इक्वल टू 2 रूट ऑफ एन की जगह क्या आ जाएगा, एन माइनस हाफ लेमडा अपॉन एन, जो सॉरी जो ये आपका है 2 रूट ऑफ एन माइनस हाफ लेमडा आर अपॉन म्यू, यानी कि एन की जगह आपके पास आ गया एन माइनस हाफ आ गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो डायमीटर है दोनों के लिए, जो डी एन है फॉर डार्क फिंजेस वो क्या आ रहा है आपका, डी एन प्रोपोर्शनल आ रहा है रूट ऑफ एन के। जो डी एन है यानी कि nth डार्क फिंज है उसका डायमीटर जो है वो आ रहा है जो आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर है एन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। इसी तरह से रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, एंड जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके स्क्वायर रूट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू। तो ये आपका डी एन हो गया फॉर डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पे डी भी लिख सकते हो आप फॉर डार्क फ्रिंजेस। सिमिलरली फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के देख रहे हो तो डी एन जो है इस बार, बाकी सब तो सेम ही है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके रूट ऑफ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ म्यू के क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लैम्डा के रूट पे क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो इंटीजर नंबर है वो क्या आ जाएगा आपका कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर हो जाएगा, 2 कॉमन लोगे यहाँ पे तो 2n माइनस 1। तो जो डार्क फिंजेस का डायमीटर है वो तो डायरेक्ट नेचुरल नंबर है उसके स्क्वायर रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो ब्राइट रिंग्स है उनके लिए जो डायमीटर है वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाकी सिमिलर रिलेशन है कि ये भी रूट ऑफ आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट ऑफ लेमडा के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रूट ऑफ म्यू जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये ऑड इंटीजर के। तो यानी कि डायमीटर कैसा होगा इसका, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7, और इसमें कैसा होगा, रूट ऑफ 1, रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, इस तरह से होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ का हमें पता है कि द डिफरेंस इन द रेडी ऑफ 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ। तो ये जो ब्राइट है 2 या कॉन्जिकेटिव 2 डार्क फ्रिंजेस है उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या कहलाएगी, फ्रिंज विड्थ कहलाएगी। तो जैसे हम फ्रिंज विड्थ देखें डिफाइन करें तो बीटा इज इक्वल टू आर एन प्लस 1 माइनस आर एन, या फिर इसको डायमीटर के फॉर्म में लिखें तो हाफ ऑफ डी एन प्लस 1 माइनस डी एन। तो फर्स्ट देखते हैं फॉर डार्क फ्रिंजेस बीटा इज इक्वल टू हाफ 2, ये अभी अपने ने देखा था क्या होता है डायमीटर ऑफ
डार्क फ्रिंजेस फॉर इन द रिफ्लेक्टेड लाइट, तो रूट ऑफ एन लेमडा आर अपॉन म्यू और मल्टीप्लाई बाई टू। तो एन प्लस वन के लिए इंटीजर क्या आ जाएगा, एन प्लस वन, और एनथ वाली के लिए क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एन लेमडा आर अपॉन म्यू। तो टू से कॉमन ले लेंगे टू, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, और रूट ऑफ लेमडा आर अपॉन म्यू कॉमन ले लें, रूट ऑफ, यहाँ पे एन नहीं आएगा, सॉरी ये एन नहीं है, तो क्या आ जाएगा, बीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ एन प्लस वन माइनस रूट ऑफ एन रूट ऑफ लेमडा आर अपॉन म्यू। तो यहाँ पे जो देख रहे हैं हम, द फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेस डिक्रीजेज एज एन इंक्रीजेज एंड डार्क फ्रिंजेस कम क्लोजर। तो यहाँ पे क्या आएगा, जैसे रूट ऑफ टू माइनस रूट ऑफ वन, रूट ऑफ थ्री माइनस रूट ऑफ टू, तो ये क्या है, डिक्रीज होता जाएगा जैसे जैसे एन की वैल्यू इंक्रीज होगी। सिमिलरली हम देखें फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है, रूट ऑफ ऑड इंटीजर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो वही वापस से रखोगे आप, रूट ऑफ एन लैम्डा आर अपॉन म्यू कॉमन आ जाएगा और टू भी कॉमन आएगा, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, हाफ ऑफ टू मल्टीप्लाई बाई दिस वन एंड टू मल्टीप्लाई बाई दिस वन। तो आपकी डार्क फ्रिंजेस का जो फॉर्मूला आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा फॉर फ्रिंज विड्थ। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि ब्राइट फ्रिंजेस जो है उनकी जो फ्रिंज विड्थ है वो भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे आपका एन इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जैसे रूट ऑफ सेवन माइनस रूट ऑफ फाइव इस तरह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि न्यूटन्स रिंग्स आर नॉट इक्वली स्पेस्ड बिकॉज द डायमीटर ऑफ रिंग डज नॉट इंक्रीज इन द सेम प्रोपोर्शन इज द ऑर्डर ऑफ रिंग एंड रिंग्स गेट क्लोजर एंड क्लोजर इज एन इंक्रीज। नाउ न्यूटन्स रिंग्स इन ट्रांसमिटेड लाइट, यहाँ पे हमने जैसे एक लाइट ली है जो कि नॉर्मली इंसिडेंस हो रही है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस पे, ये इंसिडेंट होके यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका पार्शियल रिफ्रैक्शन हो रहा है, फिर वापस से ये डेंसर मीडियम पे इंसिडेंट हो रही है, तो यहाँ से इसका क्या होगा, फिर से पार्शियल रिफ्रैक्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन होगा, फिर वापस से यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमें दो जो है रिफ्रैक्टेड लाइट मिल रही है, तो ये क्या होगी आपकी, एक तरह से रिफ्रैक्टेड को या ट्रांसमिटेड को, तो ये आपको पैरेलल लाइट्स का एक कॉम्बिनेशन मिल रहा है और इसमें वापस से वही एक ही सोर्स से मिल रही है, तो इंटरफ्रेंस की सारी कंडीशन फॉलो हो रही है, तो इनका कहीं ना कहीं क्या होगा, इंटरफ्रेंस की कंडीशन फॉलो होगी। और यहाँ पे दोनों रेज क्या है, ये जो रे आ रही है इस तरफ, तो वो क्या हो रही है, दो बार डेंसर मीडियम से क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका मतलब कि जो फेज डिफरेंस लैम्डा बाई टू था वो वापस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो पावर डिफरेंस होगा इन दोनों रेज के बीच में जो रिफ्लेक्टेड होकर इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उनमें जो होगा पावर डिफरेंस वो होगा डेल्टा इज इक्वल टू टू म्यू टी एन। अब इसके लिए हम निकालें डायमीटर फॉर ब्राइट फ्रिंजेस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस क्या होता है, डेल्टा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, तो हमें पावर डिफरेंस कितना है, टू म्यू टी एन इज इक्वल टू एन लेमडा, और ए जो डायमीटर है हमने पढ़ा था रूट ऑफ एट आर टी एन या टू रूट ऑफ टू आर टी एन इज इक्वल टू टू रूट ऑफ टू आर टी एन, तो टी एन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, ये आपका टी एन है, टी एन इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, एन लेमडा अपॉन टू म्यू। एन लेमडा अपॉन टू म्यू, टू से टू कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू रूट ऑफ एन लेमडा आर अपॉन म्यू। तो यहाँ पे भी क्या है, इंटीजर नंबर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेमडा के भी रूट ऑफ लेमडा के जो है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायमीटर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस और रूट ऑफ क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है उसके स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका डायमीटर। सिमिलरली फॉर डायमीटर ऑफ डार्क रिंग्स, तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या देखते हैं कि जो पार डिफरेंस है वो ओड मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू हो, तो टू म्यू टी एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, एन माइनस हाफ लेमडा, हमें डायमीटर पता है क्या होता है, टू रूट ऑफ टू आर टी एन,
टी एन की वैल्यू यहाँ से पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, टू रूट ऑफ टू आर एन माइनस हाफ लेमडा अपॉन टू म्यू, और इसको और सोल्व करेंगे तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा आपका, टू रूट ऑफ एन माइनस हाफ लेमडा आर अपॉन म्यू। तो ये ट्रांसमिटेड लाइट है उसमें जो डार्क फ्रिंज बन रही है उसका जो है वो डायमीटर होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि द कंडीशन फॉर मैक्सिमा इन द रिफ्लेक्टेड लाइट आर जस्ट रिवर्स टू दोज इन ट्रांसमिटेड लाइट, हेंस द रिंग विच अपियर ब्राइट इन द रिफ्लेक्टेड लाइट विल अपियर डार्क इन ट्रांसमिटेड लाइट एंड वाइस वर्सा। दस द फ्रिंज सिस्टम इन द रिफ्लेक्टेड लाइट एज वेल एज इन ट्रांसमिटेड लाइट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। नाउ न्यूटन्स रिंग इन वाइट लाइट, व्हेन वाइट लाइट इज यूज इन प्लेस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट द वाइट लाइट कंपोज्ड ऑफ नंबर ऑफ कलर्स विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर ईच कलर। ड्यू टू इंटरफेरेंस ऑफ डिफरेंट कलर्स कलर्ड रिंग्स इन द ऑर्डर ऑफ वॉयलेट टू रेड आर सीन नियर द सेंटर, दस ओनली फ्यू कलर्ड रिंग्स आर सीन एंड आफ्टर डेट ड्यू टू ग्रेटर ओवरलैपिंग ऑफ ऑल द कलर्स जनरल इल्यूमिनेशन बट नॉट रिंग्स कैन बी व्यूड। नाउ व्हेन प्लेन ग्लास प्लेट रिप्लेस्ड बाई ए मिरर प्लेन इन न्यूटन्स रिंग्स, इफ इन न्यूटन्स रिंग्स अरेंजमेंट ए सिल्वर्ड मिरर प्लेट इज कैप्ट इन प्लेस ऑफ प्लेन ग्लास प्लेट द रिंग्स विल डिसअपियर। इन दिस केस द ट्रांसमिटेड रेज विल देन बी रिफ्लेक्टेड एट द मिरर एंड द टू कॉम्प्लीमेंट्री इंटरफ्रेंस पैटर्न्स कुड सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर रिजल्टिंग इन ए यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन ऑफ लाइट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस हाउ टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ट्रांसपेरेंट लिक्विड एंड आल्सो डू सम एग्जाम्पल बेस्ड ऑन न्यूटन्स रिंग्स एक्सपेरिमेंट। थैंक यू।